नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। ये दिल दहला देने वाला वीडियो खरगोन का है। खरगोन में गुस्से में आकर उठाए गए एक कदम से युवक की जान पर बनाई। दरअसल उसकी पत्नी मायके से नहीं लौट रही थी और वो नाराज होकर हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो 60 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसे जिला अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला शनिवार का है, जब ऊन थाना क्षेत्र के गोटिया में पिंटू, जो कि 22 वर्षीय पुत्र रामा निवासी आंबापुर सांगवी टावर पर चढ़ गया। पिंटू मजदूरी करता है। मां गंगाबाई ने बताया कि बेटे की पत्नी रीना 10 दिन पहले मायके नागलवाड़ी गई थी। 4 दिन पहले पिंटू बहू को लेने गया, लेकिन वो वापस नहीं आई। ग्राम गोटिया में पिंटू का साड़ू प्रवीण रहता है। शनिवार को पिंटू उसी की बाइक लेकर फिर से नागलवाड़ी गया था। बहू ने वापस आने से दोबारा इनकार कर दिया। ये बात उसे नागवार गुजरी। इसके बाद वे नशे में धुत होकर गोटिया गांव के खेत में स्थित हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। लोगों ने जब पिंटू से उतरने की बात कही तो उसने मना कर दिया। गांव वालों ने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन पिंटू नहीं माना। इसी दौरान टावर से उसका पैर फिसल गया और वो अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा। बहन ललिता ने बताया कि पिंटू ने पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया। जिला अस्पताल के डॉक्टर चेतन पटोदे ने बताया कि युवक के सिर हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, वे ICU में भर्ती हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।